बहुत पैसे कमाए ना दुबे इस कहानी से, लेकिन कच्चे खिलाड़ी निकले आप, छुपा नहीं पाए। मैडम मैं तो आपका वफादार हूँ, वो तो उस लड़की की वजह से। रहने दीजिए, ऑफिस जाइए, विवेक आपका इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स के सामने स्टेटमेंट दीजिए कि वो वीडियो आपने लीक किया। जैसा आप कहें मैडम, पर अब तो उस लड़की का वीडियो सबने देख लिया है, माफी मांगने से। माफी मांगेगा और सबके सामने मांगेगा, फिर तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा क्या? और एक बात, अब आपकी कहानी चेंज मत कीजिए, वरना कादंबरी देवी की असली पावर आप देखेंगे, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको कभी काम नहीं मिलेगा। चल चल। अरे चाइनीज टॉर्चर सुना तूने? किस किस के मारूंगा बाबा, मैंने मम्मी जी को सब बता तो दिया, गलती हो गई, अब आप क्यों? अरे ओए, उससे पहले मैं तेरे हलक से जुबान निकाल दूं ना। उगल, रिकॉर्ड कर उसका स्टेटमेंट। मैं एक्चुअली सुनाने के ड्रॉ से तूने निकाल दिया चिप। ब्रॉडकास्ट सिक्योरिटी बीच तो बहुत बड़ी बात है, पर तूने उस लड़की की सारी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी। उसके माँ ने, उसके बाप ने, उसके दोस्तों ने, पूरी दुनिया ने उसकी वीडियो देख ली है। तूने उस लड़की को कहीं का छोड़ा नहीं। बाबा उस लड़की ने आपको धोखा दिया है। चक्कर अरे पैसे हमारे से ना तो को नीचे फेंकूंगा, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। आराधना, मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ ना, वो हमारी बात थी। मैं नहीं चाहता तुझ जैसे कीड़े उसकी जिंदगी बर्बाद करे। मार डालूंगा, समझ में क्या कर रहे? छोड़ उसे रेयांश। छोड़ूंगा नहीं इसको, इसने आराधना की वीडियो पूरे टेलीविजन में दिखा दी। वन एक मिनट रे, एक मिनट बॉस, इसका स्टेटमेंट लो। दुबे, बाहर पुलिस आई है, चुपचाप से अपना स्टेटमेंट दे दे, वरना मैं खुद लटका दूंगा तुझे। रे बाहर चल, बाहर चल रे, तुझे कुछ दिखाना है। यही है सब फसाद की जड़, इसी ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, और आज ये ही सब कुछ बताएगा हम लोग को। आज सबका ना फैसला हो ही जाए। ये मयंक, इसने तुझे झूठ बोला था, आराधना इसके होटल रूम में से मिलने नहीं गई थी। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं बुलाओगे? एक लड़की एक लड़के को होटल रूम में क्यों मिलने आती? बता दे सबको, बता दे सच, ये रेवती को ब्लैकमेल कर रहा था, याद है वो इटकी कृष्णन की बहन? आराधना इसके होटल रूम में गई थी क्योंकि उसे रेवती के फोटोज और वीडियोस चाहिए थी उसे बचाने के लिए। इसने तुझे भड़काया है रे, छूटा है ये साला। आराधना इसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, तू बोलता क्यों नहीं? बोल वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। कैमरा रेडी करो, ये आज लाइव न्यूज पे अपना गुनाह कबूल करेगा। क्या लाइव? चल भाई स्टेटमेंट दे दे, वरना बड़ा लंबा केस बना दूंगा तेरे पे, समझा? बोल सच क्या है? मैं बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ। नहीं रे, इसका स्टेटमेंट हम लाइव न्यूज पे ही करेंगे, ये बहुत बड़ा पलटू है साला, कभी भी झूठ बोल सकता है ये। बोल। मेरा नाम मयंक है, मैं और आराधना एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं, हम लोग पहले टच में थे, उसके बाद काफ़ी सालों तक हमारी बातचीत नहीं हुई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में रेवती आई। हाँ मैंने टाइम स्पेंड किया उसके साथ, मेरे पास उसके कुछ फ़ोटोज़ थे, इसलिए मैंने उसे धमकी दी कि मुझसे ब्रेकअप ना करे, नहीं तो मैं ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सबको दिखा दूँगा। मैंने इसीलिए उसे उस दिन होटल रूम में बुलाया, लेकिन वो नहीं आई, उसके बदले आराधना आई। आराधना मुझसे वो फोटोज लेने आई थी, आराधना चाहती थी कि मैं वो फोटोज एक तो जला दूँ या तो उसे दे दूँ ताकि रेवती प्रॉब्लम में ना आए। आराधना ने मुझे समझाया और मैं समझ गया, मैंने उसे फोटोज दे दिए रेवती के, और मैंने फ़ोन में से भी सारे फोटोज और वीडियोज डिलीट कर दिए। अब मेरे पास रेवती का कुछ नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आज
मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है। देखा आप लोगों ने एक औरत की असलियत। अरे भाई कोई मेरी भी कंप्लेन लिखो, एक मर्द को न्याय चाहिए। सानी, आउट ऑफ माय ऑफिस, आउट ऑफ माय लाइफ। शू ब्लडी डिस्गस्टिंग टॉक्सिक। तू इस लायक ही नहीं है कि तुझसे कोई प्यार करे। आराधना ने तेरे लिए क्या नहीं किया और तूने उसके बदले? तू प्यार करने के लायक ही नहीं है। जिस लड़की ने मुझे समझा, मुझसे प्यार किया, मैंने उसी को सबके सामने जलील कर दिया। नहीं करना चाहिए था मुझसे प्यार। राधी, विक्रम का कॉल था, मयंक ऑफिस में आया हुआ है, तू भी चल। विक्रम उसका कन्फेशन ले रहा है, तू भी साथ में ऑफिस चल। रियांश को सच पता चल गया। हाँ, विक्रम ने उसे सब कुछ समझा दिया है, बल्कि उसने तो यहाँ तक बता दिया है कि तू मयंक से रेवती के लिए मिलने गई थी। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी है, तू बस ऑफिस चल और उस इडियट से सॉरी बुलवा। दी, कल मैं आपसे मिलने के बाद मैंने मम्मी डैडी की बातें सुनी। आपने झूठ क्यों कहा उसे कि उसकी माँ मर चुकी है? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो उस औरत के पास जाए और उसकी बदनामी से जुड़े। पर आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने उसे अलग किया, मैंने उसे 25 साल पाला भी है। मुक्ति, मैं नहीं चाहता कि वो उस औरत से मिले। और वही चिट्ठी है जो उस रोज किसी बेकरी से आई थी। मम्मा ने इसे अपनी अलमारी में छुपा रखा था, पता नहीं किसी मिम्मी ने लिखी है। कैसी हो? सालों बाद तुम्हें खत लिख रही हूँ। कैसी हो? मैं जानती हूँ तुम जवाब नहीं दोगी, पर अपनी तरफ से ये चिट्ठी भेजना। What a party! अगर बेस्ट फैमिली का कोई अवार्ड होता ना, तो हमें और हमारे बच्चों को ही मिलता। क्यों ना हो, सारे बच्चे मुझ पे जो गए हैं। मिमी के? कौन है ये मिमी? एक कागज पे लिखा हुआ एक नाम, बस ये है मेरी जिंदगी का सच। एक ही तो चीज होती है दुनिया में जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, एक माँ का अटूट प्यार। और मेरा तो वो भी दो बार छिन गया। कौन है ये मिमी? हाँ, जिनका पूरा नाम तक नहीं पता मुझे। अरे, जिसने अपना एड्रेस तक नहीं लिखा इसमें। क्या करूं ऐसे आधे अधूरे सच का मैं? क्या करूं ऐसी आधी अधूरी माँ का? I'm proud of my girls. They are strong women. जिंदगी में कोई भी मुकाबला आए ना, वो उनका डट के मुकाबला करेंगी। My daughters are mama's girls. वो कहीं भी जाएंगी ना, याद रखा, सबसे पहले मेरे पास ही आएंगी, चाहे वो उनका पहला वोंड हो या पहला हार्ट ब्रेक। They will come to me first. राधी देख, तू चिंता मत कर, ये देहरादून की मिमी जो भी है हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। और जैक्स, तू तो गूगल क्वीन है ना, उसको आराम से पता लग जाएगा, ठीक है? हम पता लगाते। आप प्लीज चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ही। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हो, इस आदमी पर तो केस होना चाहिए। लड़की की मर्यादा भंग करने का केस तो होगा इस पे, लेकिन ये जो लड़की है जिसका फोटो लिया है, उसका स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। डोंट वरी सर, हम उसके टच में, जैसी जरूरत होगी वो अपना स्टेटमेंट देने आ जाएगी। वो नहीं आएगी। क्या? वो लड़की नहीं आएगी।
तू ना ज्यादा हीरो मत बन, और ये जो तूने अभी बोला है ना, ये सब कुछ तेरे खिलाफ यूज होगा। अपना नहीं, कम से कम अपनी बीवी के बारे में तो सोच। इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा वॉशरूम जा कर रहा हूँ। नहीं, चुपचाप से यहाँ खड़ा रहे। अरे भाई, वॉशरूम जाना है, अर्जेंट है यार। ठीक है, जाओ। और हाँ, भागने का ना सोचना भी मत। नहीं भागूंगा। जाओ। छोड़ोगे भाई? हाँ। रेवती उस दिन मेरे घर आई थी, कुछ परेशान सी थी। आराधना ने उससे बात भी की थी। वो गॉड, मैं कैसे इतना बेवकूफ बन गया। आराधना, आई एम सो फिर से आ गया। देख, मेरे ना सर पे खून सवार है, मैं तेरा खून कर दूंगा। बुरा लग रहा है आराधना के लिए? बुरा लग रहा है? आपको अपने आप के लिए बुरा लगना चाहिए ब्रो। आपको नहीं पता उसने क्या किया है, कितनी चालू है। तमीज से फिर से बोल रहा हूँ। ये देख रहा है, ये कर करके तो झूठा स्टेटमेंट लिया है तेरे दोस्त ने, सॉरी आपके दोस्त ने, झूठा। ब्रो, मेरी फैमिली है, वाइफ है, मैं नौकरी करता हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, मैं क्यों किसी को ब्लैकमेल करके फंसाऊंगा? सोचो यार। ये मिमी नाम किसी इन्फ्लुएंसर का नहीं लग रहा है? दी, उस बेकरी में फोन करके देखे क्या? पीपी नंबर होगा ना। पीपी नंबर क्या है? अरे मेरे मोबाइल फोन के जमाने की बिगड़ी हुई औलाद। पहले के जमाने में लोगों के घरों में लैंडलाइंस नहीं होते थे, तो पड़ोसियों का नंबर यूज करते थे, तो पड़ोसियों का नंबर पीपी नंबर। व्हाट जमाने का नंबर? दी, जैक्स। दी, आप उदास मत हो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको, आपकी रियल मम्मा जरूर मिलेगी। राधे, तू टेंशन मत ले, वे मिल जाएंगे, हम ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? मैं आपकी गर्लफ्रेंड खुद चलकर आई थी होटल रूम में मेरे पास। उसके बाद पता है क्या हुआ? आपका दोस्त वो जका जासूस और उसकी टीम जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए, मेरी बीवी को भड़काया, उसके बाद मुझे धर लिया और मुझे धमकी दी कि जो बोलने बोला है वो बोलना चुपचाप कैमरे के सामने, नहीं तो तुझ पे रेप का चार्ज डाल देंगे। भाई, कौन जाना चाहेगा अंदर रेप के केस में? आराधना। दादी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे झूठ कहा। तेरे पापा इतने नाराज है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनके सामने कुछ कहने की। तू भी सोचती होगी ना कि कैसी माँ है ये, पर सच ये है कि जोर पड़ गई। मैं तेरे लिए नहीं लड़ पाई, कमजोर पड़ गई। चलो मान लेते कि मैं थोड़ा सा बुरा इंसान हूं, मान लेते हैं कि मेरा रेवती के साथ कुछ था, हम दोनों का था। आराधना क्या कर रही थी उस दिन मेरे होटल में? सोचो, मर रही थी मुझसे मिलने के लिए। आपका फोन आया था, उसने आपसे क्या कहा? कि वो अपने पापा के साथ है। I was standing right there, I know. She lied to you. ड्रॉप भी होगी? डैडी की क्लिनिक पे आई थी, थोड़ा बिजी हूँ मैं करती हूँ कॉल। तो कहानी बता रहा? आपको नहीं पता, औरत जब झूठ बोलने की बारी आई ना, किसी भी हद तक जा सकती है। क्या तू पिटेगा बहुत? चलो, मैं प्रॉब्लमेटिक था, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर भी रहा था, तो वो आपसे मदद मांग सकती थी ना। बैठ, तुझसे बात करनी है। मैं आपकी अपनी नहीं हूं ना मम्मा। दादी, तुझे सीने से लगा के रखा उम्र भर, तू मेरी ही है। पर डैडी नहीं मानेंगे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो अपनी जिद पे अड़े हैं, और मैं डैडी, तू और हर्ष दोनों, मतलब मैं। आप जाओ उनके पास। आप लोगों का न्यूज चैनल है, इतना बड़ा, मीडिया वाले हो आप लोग, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर भी वो अकेले मुझसे मिलने होटल रूम में आई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझे अपने पहले प्यार को अब तक भुला नहीं। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं,
वो मैं तो भूल चुका हूं उसे. कब का वो मुझे बुलाने पाई है. वो आज भी मुझसे प्यार करती है. मैं कैसे समझाऊं यार तुम्हें. मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतनी सच्ची है तो वो आज मेरे लाइफ कन्फेशन में क्यों नहीं आई यहां. वो तुमसे मुंह क्यों छुपा रही है. थिंक. क्योंकि वो तुम्हें फेस नहीं करना चाहती है ब्रदर. जब वो मुझसे मिलने आई थी ना, मैंने उसे समझाया कि यू आर अ गुड चॉइस फॉर हर. तुम अच्छे हो, रहे उसके साथ, कमिटेड रहे. आई डोंट बिलीव कि वो अभी चेंज नहीं हुई है. आई एम सॉरी ब्रो, आई नो इट्स वेरी टफ फॉर यू, लेकिन बिलीव मी, गर्ल्स लाइक आराधना किसी भी हद तक जा सकती है किसी को गिराने के लिए. देखना यार, मुझे जेल भिजवा दिया. डैडी जब गुस्सा होते हैं ना तो बहुत उदास भी होते हैं. आप चाहिए उनके पास. मैं मुझे बस बस दादी तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बताती हूँ. मैं मिम्मी मेरी दोस्त थी. स्कूल कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे. बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तेरी तरह. बहुत जिंदा दिल, बिल्कुल तेरी तरह. हमारे ग्रुप में सबसे हिम्मत वाली मिम्मी थी. एक दिन अचानक वो तुझे ले आई और उसने मुझे कसम दी कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी नहीं हो. मैंने विश्वास कर लिया था कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं. ओए, बहुत हो गया तेरा सुसु. चल अब. अरे साहब, अभी आदमी सुसु भी नहीं करे. ओए, कम बोलो, निकल यहां से. तू क्यों इतना उछल रहा है भाई. इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे. चल ब्रदर, सोचिएगा. चल ना. बोला है वो सोचिएगा. क्या कहा उसका मीना ने तुझसे. हाँ, कहीं तो उसके बातों में तो नहीं आ रहा ना. मिम्मी ने मुझे कई बार लिखा, तुम्हारा हाल पूछा. मैंने भी उसे बताया. फिर हर्ष ने मुझसे वादा लिया कि मैं उसे कभी नहीं लिखूंगी. वो नहीं चाहते थे कि मिम्मी का साया हमारी जिंदगी पे पड़े. तो बस मैंने भी उसे लिखना बंद कर दिया और उसके भी खत आने कम होते गए. ये सारे लेटर्स तुम्हारी माँ ने, मिम्मी ने तुम्हारे लिए लिखे हैं. तुम्हारी ये तस्वीर मैंने उसे भेजी थी, तब तुम 2 साल की थी. बस उसके बाद मैंने उसे कभी कोई खत नहीं लिखा. राधे, तू हमेशा मेरी ही रहेगी. पर वक्त ने हमें जिस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, मैं तेरी मां नहीं बन सकती. मैं तुझे तेरी मां के हाथों सौंप रही हूं. मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तू खुद को बिन मां की बेटी समझे. मेरी बात सुन, तू फिर से अपनी वही गलती दोहरा रहा है यार. तू मयंक जैसे इंसान पे विश्वास कर रहा है, आराधना से ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा. ये कर करके तो झूठा स्टेटमेंट लिया है तेरे दोस्त ने. खुद चलकर आई थी होटल रूम में मेरे पास, मर रही थी मुझसे मिलने के लिए. औरत जब झूठ बोलने की बारी आई ना, किसी भी हद तक जा सकती है. रे कम ऑन यार, आर यू सीरियस. हां सो मैं आराधना को जानता ही कितना, लेकिन औरतों की फितरत जानता हूं. कम ऑन ब्रो, यू एंड आई बोथ. हां 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 आई नो. बस साले तुझे यही सुनना है ना,
हमेशा तेरी हर गलतियों के लिए तू अपने मॉम डैड के रिश्ते को ही ब्लेम किया है, यही है ना? तेरी लाइफ की लगी पड़ी है ना भाई, किसकी लाइफ की नहीं लगी पड़ी यहाँ पे? बोलना, तुझे क्या लगता है मेरी लाइफ सही है? तू अपने अंदर के जहर को अपनी लाइफ में घुलने दे रहा है भाई, और तू आराधना की भी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। ब्रो तू जानता नहीं है, वो बहुत परेशान है, उसकी लाइफ पूरी उलट गई है। क्यों? उसके पेरेंट्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिया यार, शी हैज लॉस्ट एवरीथिंग, और तू यहाँ सरकाज़म मार रहा है। देख विक्रम, आई डोंट नो, आई डोंट केयर ब्रो। ठीक है ब्रो, यू डोंट केयर ना, तू सही है भाई। तू ना एक काम कर, अपने लाइफ में ना तू बस कुड़ते रहे भाई, बट मैं पीछे नहीं हटूंगा रे, मैं आराधना को जस्टिस दिलवा के ही रहूंगा। और पता है क्यों? क्योंकि उसके बहुत एहसान है मुझ पे। बाय। शादी, ये है तुम्हारी माँ, असली माँ? मैं तेरी माँ नहीं बन सकती, मैं तुझे तेरी माँ के हाथों सौंप रही हूँ। कौन माँ, कौन है ये? माँ जैसा शब्द किसी के नाम के आगे यूं ही तो नहीं लगा सकती ना। मेरी प्यारी भक्ति, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा। तुम्हारा दिया लेटर मिला और वो फोटो भी, पर आगे से मत भेजना। मेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि वो तुम्हारे साथ है और खुश है। ये कुछ रुपए भेज रही हूँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो इसी नंबर पे ओशियन बेकरी में मैसेज कर देना। भक्ति, हमारी दोस्ती के खातिर तुमने जो कुछ भी किया मैं शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से है। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, पर फिर भी अगर कोई काम आ सकूँ तो बता देना। तुम्हारी मिम्मी। ये है मेरा वजूद, मेरी औकात, इसी पे तोला है मुझे। राधी, अंकल आंटी ने तुझे बहुत प्यार दिया है। उन्होंने तो हमेशा मुझे सर आंखों पर बिठा के रखा। अरे कौन है ये पूजा? मैं नहीं चाहती इन्हें जानना। आई डोंट केयर, जैसे इन्होंने मुझे बुला दिया ना, वैसे मेरे लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती। आई डोंट वांट टू नो, ये मेरी माँ नहीं है, ये कुछ नहीं है। दुबे ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि उसने ये वीडियो लीक किया था। ही स्टोल इट फ्रॉम सुनैना'स डेस्क एंड उसने ये पूरी गलती मान ली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि तुम अपने पोस्ट पर वापस आ सकते हो, पर आप नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। तेरा बाप चाहता है कि तू जो अपना अंदर से जला रहा है ना, उस आग को कम कर। मैं तो होटल बिजनेस में था, ये सब तेरे लिए है क्योंकि तुझमें वो फितूर था, पर तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। रिपोर्टिंग नहीं, क्योंकि उसमें तेरी काबिलियत का मुकाबला नहीं, पर तुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखना है। तू अपने आक्रोश में कहीं खो गया है, यू लॉस्ट माय सन। शायद मैं और तेरी माँ तुझे समझा नहीं सके। रिश्तों का एक बैलेंस होता है, गुस्से में कई बातें वापस नहीं ली जा सकती, प्यार एक सीधी लकीर नहीं होती, और बहुत कुछ सीखना है तुझे, पर मैं तुझे सिखा नहीं पाया। घर से निकाल दो डर, वही मेरे जिगर के टुकड़े, तो मेरे दिल में रहता है यार, पर तुझे खुद से सुलह करनी पड़ेगी। जब तू खुद से सुलह कर लेगा ना,
दुनिया से सुलह कर लेगा। ठीक है। मयंक के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए तुझे बुलाया है। विक्रम वहीं पे होगा, लेट्स गो। फेवती से बात हुई? नहीं यार, पता नहीं उसको इतने सारे मैसेजेस थोड़े, उसको कॉल किए पर गायब ही हो गई है वो। उसके भाई को ना उसकी बदनामी का बहुत डर था। मुझे अब ऐसे फेवती से बात करे बिना, उसे बताए बिना मैं कैसे उसका राज खोल दूँ। राधी, मयंक ने तेरे साथ जो कुछ भी किया, जिस तरीके से उसने रियांश को तेरे खिलाफ भड़काया, तू बस अपना सोच और चल पुलिस स्टेशन अपना स्टेटमेंट देने के लिए। एक मिनट, विक्रम का कॉल है। हाँ हेलो। पूजा सुनो मेरी बात, आराधना को कहना कि पुलिस रेवती का नाम प्रोटेक्ट करेगी, बट उसे अपनी कहानी कहने का मौका नहीं खोना है। ओके ठीक है, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ओके बाय। हेलो बसंत पुलिस स्टेशन। ये आदमी उस लड़की को बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था, उसके भाई ने मुझसे हेल्प मांगी। वो मेरी छोटी बहन है, वो शायद बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। मैं बात करूंगी तुम्हारी बहन से, शी इज अ कोरियोग्राफर राइट। मयंक का कॉल आया था और उसने मुझे होटल ग्रीन पार्क में बुलाया है। मैं जाऊंगी। सर ये है पूरा सच। देखिए जो भी आपने कहा उसका कोई सबूत है? क्योंकि बिना सबूत के या फिर बिना लड़की के बयान के हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। सर पर मयंक ने तो कन्फेशन दे दिया है ना। पलट गया मैम, बयान पलट दिया उसने और करेगा ही। आपको हमें कोई प्रूफ देना होगा, कोई फोटो मैसेज। तो इसका मतलब इसे बेल मिल जाएगी? आराधना लेट मी हैंडल दिस। एक्सक्यूज मी। पता है कुछ भी कर लो तुम मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकती। राधी मैं तुम कितने घटिया इंसान हो ये तो सब जानते, तुम्हारी बीवी भी, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती ताकि दोबारा किसी लड़की की जिंदगी। कितनी झूठी हो यार तुम, अपने बॉयफ्रेंड को मतलब अपने बॉस को मतलब बॉयफ्रेंड बॉस को उसको यकीन दिलाने के लिए तुमने उसे ये कहा कि तुम रेवती को बचाने के लिए मेरे रूम में आई थी समाज सेविका बनकर, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने नहीं। तुम मेरे एक्स नहीं हो मैं, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कभी ना समझ में नहीं आता। तुम्हें ना कहना नहीं आता रियांश को, उसके साथ तुमने जो किया फोटोज वीडियो वीडियो देखा मैंने, बैद मजा आ रहा है। तुम बचोगे नहीं, तुम बचोगी नहीं। एक्चुअली राधी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है तुम खत्म हो चुकी हो यार। हाँ शायद इस बार रियांश को यकीन हो जाए कि तुम सही हो, इस बार उसे यकीन हो जाए कि तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, इस बार चलो ये भी हो जाए कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे भरोसा कर लें, इस बार सब कुछ सही हो जाए चलो मान लेते, लेकिन अगली बार क्या, क्योंकि तुम पर भरोसा ही नहीं करता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और वो तुम्हारी दुनिया में आग लगा देगा। तुम्हें लगा था ना, सच बताओ, कि रियांश सबके सामने तुम्हारे पेरेंट्स के सामने ये बोलेगा कि मेरी राधी आराधना ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, मैंने तो गुस्से में किया जो भी किया, मीटू भी नहीं करना था, जो भी किया गुस्से में किया, तुम्हें लगा था ना वो ऐसा बोलेगा? लेकिन देखो, और अगर मान लो तुमने ये साबित कर भी दिया कि तुम सही हो और तुम सच बोल रही हो, उससे क्या होगा, इस बार वो तुम पर यकीन कर लेगा, लेकिन अगली बार क्या, फिर किसी बात पर तुम पे शक करेगा, उसका मिजाज ही यही है, औरतों पे शक करना कितना जहर है पता है उसके अंदर औरतों के लिए, वो क्या है ना कान का कच्चा है ना, लेकिन अफसोस होता है मुझे ये बात सोचकर कि तुम इस जन्म में उसके अंदर का जहर निकाल नहीं पाओगे, ट्राई करके देख लो। मैं ना किसी की जिंदगी नहीं सुधारना चाहती मयंक, उसका जहर उसे मुबारक और तुम्हारा तुम्हें, और मेरी जिंदगी में जो उबाल आया है मैं जानती हूँ, कुछ भी करके अब वो नॉर्मल नहीं हो सकता, आई नो दैट, ये बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कर करके तो झूठा स्टेटमेंट लिया है तेरे दोस्त ने, इस बार वो तुम पर यकीन कर लेगा, लेकिन अगली बार क्या, फिर किसी बात पर तुम पे शक करेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतनी सच्ची है वो आज मेरे लाइफ कन्फेशन में क्यों नहीं आई यहां, वो तुमसे मुंह क्यों छुपा रही है, क्योंकि वो तुम पर भरोसा ही नहीं करता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और वो तुम्हारी दुनिया में आग लगा देगा।
जब भरोसा ही टूट जाए तो क्या प्यार रह जाता है? अगर प्यार सच्चा हो तो भरोसा कभी लड़खड़ाता नहीं। गलती करी मैंने, अपने दिल को खुला छोड़ दिया, जख्मी हो गया हूं मैं। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जख्म भरने चली थी। तुम वो जहर हो जिसका कोई तोड़ नहीं। जहर पी के जीऊंगा तुम्हारे हसीन धोखे का, नफरत करूंगा तुमसे बड़ी शिद्दत से। अपनी नफरत और गुस्से में जल जाओगी एक दिन। चाहे जितना दिल तोड़ा हो मेरा, मैं कभी तुम्हें जलते हुए नहीं देखना चाहती। चली जाओ मेरी जिंदगी से, तुमसे पहले बहुत खुश था मैं। तुमने खुश होना कभी सीखा ही नहीं। तुम्हें सिर्फ नफरत करनी आती है और तुमने मोहब्बत और नफरत में नफरत को ही चुना। तुम्हारा नाम और निशान मिटा देना चाहता हूं। चली जाऊंगी मैं दूर, जहां तुम्हारी नफरत मुझे छू ना सके। गुड नाइट आराधना। गुड नाइट रियांश। जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पे ले आती है कि वहां से दो रास्ते सामने आते हैं, एक रास्ता अनजाना, एक रास्ता पहचाना। जब पहचाना रास्ता बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं मुड़ना होता है, कोई रास्ता चुनना होता है। मेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके थे, शायद इसलिए अब मुझे अनजान राह पर निकल चलना था। गलत और सही रास्ते का कोई साइन बोर्ड नहीं होता। रियाज के ट्रॉमा ने उसका अतीत उसका आज तय किया था और मेरा अतीत मेरा आने वाला कल तय कर रहा था। रियांश ने अपना रास्ता चुन लिया था, अब मेरी बारी थी। डैडी, मैं जानती हूँ आपने मुझे इस दहलीज पे कदम रखने से मना किया था, पर एक बार, बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए, एक आखिरी बार। हर्ष, खोल दो दरवाजा। राधे, मैं हूँ यहाँ, पर तेरे पापा। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। छोड़िए मुझे, दरवाजा खोलने दीजिए। मैंने कहा ना दरवाजा नहीं खुलेगा। मम्मा, मम्मा आप रोइए मत। मैं जानती हूँ डैडी मुझसे नाराज है, उनका हक बनता है। डैडी, मैं आप बस ये कहने आई थी कि थैंक यू। कुछ सालों के लिए ही सही, पर आप लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप दोनों मेरे मम्मी डैडी हो इस जन्म में, और अगले हर जन्म में मैं यही प्रे करूंगी कि आप दोनों ही मेरे मम्मी डैडी बनो। लेकिन मेरे लिए आप लोग ही भगवान हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपके एहसान तो नहीं चुका सकूंगी, लेकिन मेरी वजह से जो आपको शर्मिंदगी हुई है उससे जरूर बचा सकूंगी। आप समझ लेना कि आराधना सहानी थी आपकी कोई बेटी जो अब नहीं रही, मर चुकी है। लेकिन मैं वादा करती हूं आपसे, मैं जा भी रहूंगी, आप दोनों से हमेशा हमेशा बहुत प्यार करूंगी। I love you, Mama. Radhe. I love you, Dad. Chodiye. मैं अपनी पहचान इस दहलीज पर छोड़ के जा रही हूँ।
नहीं बेटा, राधे बेटा जाना मत, राधे बेटा रुक, छोड़िए ना। हर्ष छोड़िए मुझे, हर्ष छोड़िए मुझे। अरे आज ना मैंने सितारों को टूटते हुए देखा और उन सितारों से ना अपने लिए एक विश मांगी कि अगले जन्म में, नहीं हर जन्म में आप दोनों ही मेरे मम्मी डैडी बनो। राधे बेटा, हर्ष बेटी छोड़ के चली गई और आपने उसे रोका तक नहीं। हर्ष वो अब हमारी बेटी नहीं है। गुड मॉर्निंग। लगा रहे तो अपने जिद पे ब्रो, बना रहे तू इतना ही टफ, लेकिन साले एक चीज जान ले, आज तेरी वजह से ना आराधना की हर जगह इतनी बदनामी हुई है। रे तुझे पता है वो बेचारी बेघर हो गई है यार, और आज तेरी वजह से वो यहाँ से भी चली गई है। क्यों कहाँ चली गई? अरे यही तो नहीं पता ना मुझे, वो अपने घर वालों से मिलने गई थी, पता नहीं क्या हुआ वो अपना सामान उठाकर चली गई। रे उसे प्लीज एक बार मिल ले, शी इज नॉट ओके यार। देख अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना, तू एक दिन तू बहुत पछताएगा इस बात को लेकर। चल मेरा छोड़, अपने आप पे तो भरोसा रख, तू अपने दिल से सोच यार। चल यार मेरे साथ, वरना वो खुद कहीं बहुत दूर चली जाएगी। नहीं यार। रे क्यों यार क्यों? जब तक मैं उस कहानी के अंत तक नहीं पहुंचता हूं, मैं आराधना को फेस नहीं कर सकता। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि वो बेघर हो जाए, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन फिर देन फिक्स इट ब्रो। डरता हूं विक्रम। एक मिनट, तू अभी भी उस मयंक के बातों पे ज्यादा बिलीव कर रहा है? क्या बिलीव करूं यार, क्या सच है क्या गलत है, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है प्यार में दिल टूटता ही है। तेरा दिल टूटा है क्योंकि तूने खुद तोड़ा है। बकवास दलील है तेरी, तू खुद सोच यार, तू उसके बारे में सोच, अपने दिल को भरोसा करने दे। मुझे रेवती से मिलना है, मुझे सच जानना। आई नीड टू नो द ट्रुथ। साले तेलू, मैं तुझे देखते ही पहचान लिया था कि तू साला एक नंबर का प्रॉब्लम है। तुझको पकड़ के सच नहीं उगलवाया ना तो मेरा नाम भी नहीं, मेरा नाम नहीं, तेरा ही नाम बदलूंगा साले तेलू। Aradhana, I want to believe you. दुबे का स्टेटमेंट रिलीज करो। आराधना सानी से नेशन ट्रू न्यूज माफी चाहता है। उन पे लगे सारे इल्जाम गलत है, पर इस गलत खबर के लीक होने से जो डैमेज आराधना के चरित्र, उनके सम्मान और उसके करियर पे हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नेशन ट्रू न्यूज उसे माफी मांगता है। और इस लीग के जिम्मेदार दुबे और हमारे एडिटर इन चीफ को नौकरी से निकाला गया है। बैक टू वर्क एवरीवन। अंकल, एक दिन रियांश को अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे अपने बेटे की नहीं पड़ी अभी, उसकी बर्बादी के जिम्मेदार
उसके पेरेंट्स भी हैं, पर उस लड़की का जो हो सकता है वो करो, वो स्टेटमेंट रिलीज करो। ओके अंकल, मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.